वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ है। किसी को शौक होता है गाड़ी का, किसी को घोड़े का, किसी को घड़ी का, तो किसी को जूते का। और अपने शौक के लिए लोग इन पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। पर आपका शौक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, जैसे जूते, जिनकी वैल्यू सोने से भी ज़्यादा तेज बढ़ रही है। इसी को देखते हुए एक 19 साल के लड़के ने अपना शू रीसेलिंग बिजनेस शुरू किया, जो कि आज साल का 25 करोड़ कमा रहा है। तो इस वीडियो में हम उस बिजनेस के बारे में जानेंगे, साथ ही स्नीकर मार्केट की कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, कौन इसमें एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, इसमें क्या क्या लेवल्स होते हैं, ये सब। मेन स्ट्रीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ओरिजिनल स्नीकर्स बाय और सेल कर सकते हो, वो भी काफी वैरायटी में। तो इस प्लेटफॉर्म ने बेसिकली स्नीकर मार्केट की दो दिक्कतें सॉल्व कर दी, पहला ओरिजिनलिटी और दूसरा वैरायटी। इनके स्टोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन भी है। अगर आपको कोई स्नीकर सेल करना है तो आप इनकी वेबसाइट या स्टोर पर लिस्ट कर सकते हैं। जब वो स्नीकर बिक जाएगा तो ये अपना कुछ कमीशन काट के आपको सारे पैसे दे देंगे। और इस सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत करी थी 2020 में वेदांत लांबा ने, जो कि उस टाइम 19 साल के थे। और ये बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि इंडिया में स्नीकर मार्केट काफी तेजी से बढ़ रही है। आज के टाइम में स्नीकर मार्केट की वैल्यू इंडिया में 11,000 करोड़ है, और आने वाले कुछ टाइम में ये और बड़ी होने वाली है। तो अगर आपको स्नीकर मार्केट में एंटर होना है और स्नीकर रीसेलिंग से पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए पहले आपको स्नीकर मार्केट को समझना होगा, जिसमें सबसे ऊपर होती है शू ब्रांड, जैसे नाइकी। स्नीकर मार्केट में सबसे ज्यादा स्नीकर्स नाइकी के ही बिकते हैं। तो नाइकी एक स्नीकर बनाती है लिमिटेड एडिशन का, जिसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। या फिर एक हाई ब्रांड जैसे ऑफ वाइट और सुप्रीम, इनके साथ कोलैबोरेशन होती है, जिससे कि उनके प्राइस दुगने और तिगने होते हैं। अब हाई ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन से ऐसा नहीं है कि शूज के कंफर्ट में कोई फर्क आ गया, बस उन ब्रांड्स ने अपनी इमेज ऐसी महंगी वाली बना रखी है, इसलिए उनके प्राइस पे इतना फर्क पड़ता है। फिर शू बनने के बाद वो मार्केट में आते हैं बिकने के लिए। तो नाइकी अपने जूते, अपने ऑनलाइन वेबसाइट, अपने ऑफलाइन स्टोर्स और कुछ रिटेलर्स जैसे वेज, नॉन वेज और सुपर किक्स, इनके थ्रू बेचती है। इन जूतों की काफी ज्यादा डिमांड होती है। नाइकी की वेबसाइट पर ये सुबह 7:30 बजे लिस्ट होते हैं और 7:31 या मैक्सिमम 7:32 तक आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ऑफलाइन स्टोर पर भी इनकी लॉन्च से पहले काफी भीड़ होती है और काफी लंबी लाइन लगती है, जिसके बाद ये जूते उतरते सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पर इनकी रीसेलिंग होती है। और रीसेलिंग के लिए कई रीसेलिंग प्लेटफॉर्म जैसे मेन स्ट्रीट इनकी मदद ली जाती है। तो इस मार्केट में टोटल 4 बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पहली अपॉर्चुनिटी है रीसेलर की। आप एक स्नीकर रीसेलर बन सकते हैं। आपको जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर होगी वो होगी 10,000 के आसपास, जिससे आप कोई रिसर्च करके एक अच्छा स्नीकर खरीद सकते हैं और फिर उसे महंगे दाम पर बेच सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा स्नीकर ऑफलाइन स्टोर से खरीदते हैं जिसके लिए काफी भीड़ है, तो काफी चांसेस है कि आपको दुकान के बाहर ही उसका एक बायर मिल जाए, जो कि आपको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार है। तो रीसेलिंग में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रीसेल जल्दी जल्दी करना है, ताकि आपकी कैपिटल जल्दी ग्रो हो, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फैक्टर टाइम के साथ देखा जाता है। यानी जूता जितना जल्दी बिकेगा उतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और आप रीसेलिंग के लिए कई रीसेलिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जो कि इस मार्केट में दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जब आपके पास कैपिटल ज्यादा हो जाए और आपके पास बायर और सेलर के अच्छे कनेक्शन हो, तो आप अपना खुद का रीसेलिंग प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं। इसकी शुरुआत आप इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, अपना खुद का एक रीसेलिंग पेज बनाकर, जहां पर आप खुद के और दूसरों के शू डाल सकते हैं रीसेलिंग के लिए, जिसके बाद आप वेबसाइट पर स्विच कर सकते हैं। जहाँ पर आपको जो मेन चीज का ध्यान रखना है वो है कि आपके पास सिर्फ ओरिजिनल स्नीकर्स आए, जिसके लिए आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए। रीसेलिंग बिजनेस से आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहला कमीशन, कि जो भी जूता आपके थ्रू बिकेगा आप उसमें कुछ परसेंट कमीशन लोगे। और दूसरा है सब्सक्रिप्शन, कि बायर्स को आपका एक सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा, उसके बाद वो जितने चाहे उतने जूते बेच सकता है एक टाइम पीरियड के लिए आपके प्लेटफॉर्म को यूज कर। और ऐसा कर आप वेदांत लांबा की तरह अपना एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी है स्नीकर रिटेलर बनना, जहाँ पर ब्रांड आपको डायरेक्टली अपना स्टॉक देगी शूज का। इसमें मार्जिन काफी हाई होता है। इसके लिए काफी कैपिटल चाहिए और इस मार्केट में काफी टाइम होना चाहिए वेज, नॉन वेज और सुपर किक्स जैसा प्लेयर बनने के लिए। फिर चौथी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अपनी खुद की एक स्नीकर ब्रांड बनाना या फिर एक हाई ब्रांड बनाना। ये हाई ब्रांड काम कैसे करती है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, आप बस कमेंट करिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।